हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए डोरमेट थाल कवर, या आप इसे टेबल मैट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये झालर वाली डिज़ाइंस बनकर आई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। इसको मैंने यहाँ पर तीन कलर में बनाया हुआ है और यहाँ पर तीन कली भी हमारी बन गई है। तो देखिए यहाँ पर पिंक, लाइट ग्रीन और ब्लैक कलर मैंने लिया है। इसको मैंने 20 फंदे में बनाया है फ्रेंड्स। आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं और ये दो के मल्टीपल डिज़ाइंस ये हमारी बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे 20 फंदे ले लिए हैं। अब चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाने के लिए पिंक कलर का ऊन लगाएंगे। यहाँ पर बहुत ईजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आज आप लोग मुझे 5 से 6 कमेंट कीजिए, फिर मैं आप लोग को ये बड़े साइज़ में बना के दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि एकदम अलग सी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फंदे को, सॉरी ऊन को जोड़ लिया है। फंदे जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम ऊन को अपनी साइड लाएंगे। ये देखिए दो फंदे हमने पहले सिंपल बुनना है, या तो आप दोनों फंदे को उल्टा उल्टा बुन लें या तो सीधा सीधा। तो दो फंदे हमने पहले सिंपल बुना, ये देखिए, उसके बाद हमारी यहाँ पे झालर बनेगी। तो देखिए हम झालर कैसे बनाएंगे। ये देखिए एक बार हम सिलाई पे ले गए, फिर अंगूठे पे ले गए, फिर सिलाई, फिर अंगूठे पे, फिर यहाँ से इसको ऐसे बुन लेना है। तो यहाँ पर मैं दो दो बार कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर 3-4 जितना भी आपने इसको रखना है आप कर सकते हैं। अब इसको देखिए हमने इस झालर को ऐसे को कर देना है, फिंगर की सहायता से इसको हमने पीछे कर दिया। अब देखिए हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। देखिए आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं इसको, एक, फिर देखिए यहाँ पे दो, दो राउंड बनाने के बाद देखिए हमारी दो यहाँ पे बन गई है। और इसको हम ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे को कर देंगे। ये देखिए फिर यहाँ पे हम पिंक कलर से बना रहे हैं, एक, दो। बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स, एकदम नई डिज़ाइन है। आप लोगों ने अभी तक ऐसी डिज़ाइन नहीं बनाई है, तो चलिए आप लोग भी बना लीजिए, बहुत ही प्यारी लगेगी। क्योंकि इस डिज़ाइन में थाल कवर कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। आप बचे हुए ऊन से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारी डिज़ाइंस बनती हुई आ रही है। तो ऐसे ही हमने ये बनाते हुए जाना है। ये देखिए फिर एक बार आप लोग देख लीजिए, एक बार पहले सिलाई पे, फिर अंगूठे पे, फिर सिलाई पे, फिर अंगूठे पे। तो आप इसे 3-3, 4-4 राउंड का भी बना सकते हैं। आपने इसको जितना थिक रखना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो दो ही काफ़ी है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पर दो ही दो रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक आ गए। अब लास्ट में हमने दो फंदे छोड़ देने हैं, ये हमारे दो फंदे अब छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता दूँ, स्टार्टिंग से ये डिज़ाइन हमारी बननी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में सिर्फ पहले आपने दो सिलाइयों की नीटिंग कर लेनी, या तो आप उल्टे उल्टे या तो सीधे सीधे। जैसे हमने दो सिलाई बुन लिया, उसके बाद ये हमारी डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो डिज़ाइन ये पूरे फंदे में पड़ेंगे, सिर्फ दो फंदे हमने छोड़ देना है। दो फंदे छोड़ने के बाद आपने सिलाई को अपनी साइड पलट लेना है। अब हमारे यहाँ से ब्लैक कलर्स की डिज़ाइन से हम बनाएंगे, ब्लैक कलर हम बुनते हुए जाएंगे। पिंक कलर को यहीं पे हमने छोड़ देना है। तो देखिए ब्लैक कलर से हम ये सीधा सीधा बुनते हुए ये डिज़ाइन को जाएंगे। देखिए नॉर्मल, आपने ज़्यादा टाइट नहीं बुनना है। तो ये देखिए ऐसे को हमने सिलाई में डाला है, और देखिए हम ऐसे आगे की साइड से इसको ऐसे डाल के ये पूरी रो ऐसे कंप्लीट करनी है ब्लैक कलर से, क्योंकि जो हमारा बेस कलर है आगे की साइड से वही कलर अब हमारे चलेंगे। तो इसलिए हम काले कलर को यहाँ से लेके आते हैं। ये देखिए हम आगे बनाकर आ गए। अब आपने क्या करना है, इन फ्रिल को आपने अपने हाथों की सहायता से ऐसे को खींच लेना है। जब हम ऐसे खींच लेंगे तो इसकी डिज़ाइन प्रॉपर आ जाएगी। ये देखिए तब इसकी फिनिशिंग आ जाएगी, और कितनी खूबसूरत ये देखिए लग रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग चाहें इसको बहुत सारे, जितने भी आप कली बनाएं उतनी कलर की आप यूज कर सकते हैं। उन देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है, पूरा ऐसे बन के आएगा, जितनी भी कली बनेगी अपने आप बन जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है,
अब हम आगे की साइड से सीधा सीधा बुनेंगे और पीछे की साइड से उल्टा। अब हमारा सिर्फ ब्लैक कलर का ऊन चलेगा जब तक ये हमारी पूरी कली कंप्लीट नहीं हो जाती है। अब बहुत सिंपल है बनाना फ्रेंड्स, यहाँ तक हम बुन कर आते हैं। अब देखिए पहले हमने यहाँ पे दो फंदे छोड़े थे डिजाइन बनाते समय, फिर दो फंदे छोड़ेंगे। हर टाइम हमने दो दो फंदे छोड़ते हुए आना है जब तक कि हम यहाँ तक ना आ जाए। और आगे की साइड से हमने कुछ नहीं करना है, पीछे की साइड से सारे फंदे को उल्टे उल्टे बुनेंगे हमेशा। और आगे की साइड से हम यहाँ लास्ट से दो दो फंदे छोड़ते हुए कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो दो छोड़ते हुए यहाँ तक लास्ट तक आ गए हैं। देखिए हमने यहाँ पे दो दो छोड़ा है, आप लोग को दिख रहा होगा। लास्ट में अब देखिए हमने क्या करना है, सारे फंदे को हमने बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड से सारे फंदे को सीधा सीधा बुन लेंगे और पीछे से फिर उल्टा उल्टा बुन कर आएंगे सारे फंदे को। एक भी फंदा हमने यहाँ पे स्किप नहीं करना, पूरे फंदे को हमने बुनना है यहाँ लास्ट तक। फिर पीछे से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और ये देखिए इतनी खूबसूरत हमारी ये फ्रिल वाली डिजाइन्स बनकर आएगी। फिर आगे की साइड से हम यही डिजाइन डालेंगे ग्रीन वाले से। तो ऐसे ही हमारी पूरी जितनी भी कली बनेगी 8-12 वो अपने आप बन जाएगी। तो ऐसी यही डिज़ाइन बनेगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये डिज़ाइन कैसी लगी। आप लोग इसे बड़े में बनाना चाहते हैं तो 5 से 6 कमेंट मुझे चाहिए, उसके बाद मैं ये बताऊँगी। थैंक यू।